नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में जो आपको बोनस शेयर भी दे सकती है, आने वाले समय में स्टॉक स्प्लिट भी कर सकता है, साथ ही साथ अच्छा खासा डिविडेंड भी देगा। और ये कंपनी काफी सॉलिड है, काफी बेहतरीन है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है, कंपनी करती क्या है, क्या बिजनेस है कंपनी का। इस कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है हमारा 3020 करोड़। तो कुल मार्केट कैप है इसका 3020 करोड़। वहीं हमारा बात करें कंपनी का पी जो है 23.6 का पी है, और कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है वो 57.3% का इसमें प्रमोटर्स का होल्डिंग है। कंपनी के पास जो रिजर्व है 685 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास, और कंपनी के ऊपर जो डेट है वो 38 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर, और कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 72 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रखा है कंपनी, और कंपनी के प्रमोटर्स का कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। और साथ ही साथ फेस वैल्यू जो स्टॉक का वो 5 है, और जो डिविडेंड पे करती है कंपनी उसका डिविडेंड यील्ड है 2.89%। तो काफी शानदार डिविडेंड यील्ड है, जबकि अभी स्टॉक जो है 52 वीक हाई प्राइस पे है, उसके बाद डिविडेंड यील्ड इतना शानदार है। कंपनी का जो फाइनेंशियल है वो काफी बेहतरीन है, काफी सॉलिड है। वहीं अब हम प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें आपको बैलेंस शीट देखना, प्रॉफिट लॉस देखना, इन्वेस्टर का उसमें कितना परसेंट स्टेक है, इन सारी चीज़ों को देखना, मतलब इन सारे पैरामीटर पे आप जरूर डिस्कस करें। अगर आप डिटेल में चाहते हैं तो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। कंपनी का एनुअल रिपोर्ट काफ़ी आपको सहायता करेगा कंपनी के बिजनेस को समझने में, कंपनी कर क्या रही है, कंपनी आगे का फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव क्या है कंपनी का। तो आप एनुअल रिपोर्ट कंपनी का पढ़ सकते हैं जो आपको bseindia.com पर मिल जाएगा, जहां से या कंपनी वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए हम कंपनी का सेल्स देखते हैं तो कंपनी का जो एनुअल सेल्स है लगातार इंक्रीज हुआ है। 2012 में कंपनी का जो सेल्स था 801 करोड़ था, जो कि बढ़कर के हो गया 1199 करोड़ का। तो लगातार कंपनी का देखते हैं यहाँ से सेल्स बढ़ते गया है। यहाँ पर 2020 में ज़्यादा बढ़ गया था, वहाँ से थोड़ा सा भी ट्रेलिंग 12 मंथ में थोड़ा सा कम बता रहा है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो 58 करोड़ था 2012 में, जहां से लगातार कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं। बीच में थोड़ा सा इंक्रीज ज़्यादा हुआ था, फिर थोड़ा सा यहाँ डिक्रीज हुआ, फिर लगातार इंक्रीज होते गए। अभी 128 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। ओवरऑल अच्छा कंपनी बिजनेस कर रही है, धीरे धीरे कंपनी का सेल्स भी ग्रो हो रहा है, धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो हो रहा है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। अगर हम नीचे चलते हैं तो कंपनी के बैलेंस शीट को देखते हैं। कंपनी का जो बैलेंस शीट है यहाँ देखिए, इक्विटी शेयर कैपिटल कंपनी के पास मात्र 2 करोड़ का है, और रिजर्व जो है कंपनी के पास वो है 306 करोड़ से बढ़ते हुए 685 करोड़ का रिजर्व हो चुका है कंपनी के पास। वहीं बात करें कंपनी का जो प्रमोटर्स होल्डिंग है, प्रमोटर्स होल्डिंग आपको हमने दिखाया है कि काफ़ी सॉलिड है, और यहाँ पर चलते हैं तो प्रमोटर्स होल्डिंग 57.28, जो कि लगातार कांस्टेंट बना हुआ है 2018 से। मतलब अभी कंपनी बिजनेस क्या करती है, देखिए कंपनी एक लुब्रिकेंट बनाने वाली है, मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग दोनों करती है कंपनी, लुब्रिकेंट का मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग करती है। कंपनी के बारे में डिटेल में जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ आप कंपनी के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें जान सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन जो है कंपनी के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा। जो लुब्रिकेंट की कंपनी बनाती है वो क्या है, विडॉल, यहाँ पर देखते हैं विडॉल, तो अच्छा लुब्रिकेंट है। अगर आपने कभी यूज किया है, अगर प्रोडक्ट इसका आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनी के चार्ट को भी हम दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए एनुअल रिपोर्ट है, यहाँ से एनुअल रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को आप पढ़ सकते हैं, जिससे अच्छा खासा कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, कंपनी बिजनेस कैसे करती है, तो हर चीज़ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगा। चलते हैं कंपनी के जो टेक्निकल चार्ट है स्टॉक्स का उस पे। ये टेक्निकल चार्ट पे कंपनी काफ़ी सॉलिड दिखती है, यहाँ देखिए चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से मोमेंटम क्या, यहाँ पे हाई बनाया 8277 का, और ये हाई बनाया था 2016 में, देख सकते हैं 2016 में ये हाई बना था, और वहाँ से गिरावट आया 2016 से, लगातार देख सकते हैं लगातार गिरावट हुआ। और यहाँ पर 2020 में जो गिरावट आया तो यहाँ पर स्टॉक देखते हैं काफ़ी नीचे के प्राइस पर, लगभग 3000 पे मिल रहा था, और यहाँ 3000 से लेकर के अभी तक का जो जर्नी है 8664 तो यहाँ तक का जर्नी ये स्टॉक तय कर चुका है। तो काफ़ी बेहतरीन मोमेंटम यहाँ पर देखने मिला है, और एक मंथ में यहाँ पर देखते हैं कि 4300 से ये 8664, मतलब 100% का प्रॉफिट दे रहा है मात्र एक मंथ में।
तो सिर्फ वन मंथ में ये जो 100% का यहाँ पर प्रॉफिट दे रहा है, तो जो कि काफी जबरदस्त है यहाँ पर स्टॉक का। यहाँ से रिटर्न देखते हैं कितना है, यहाँ से हम ये जो स्टॉक का रिटर्न यहाँ से है तो लगभग 2150% का रिटर्न है। तो ये 2153% का रिटर्न है यहाँ से स्टॉक का, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। तो लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा ये रिटर्न दिया इस स्टॉक ने, साथ साथ डिविडेंड भी अच्छा खासा पे करती है और कंपनी जो है बोनस भी लेकर है, स्टॉक स्प्लिट भी देने जा रही है। तो यहाँ पर जो बोनस और स्टॉक स्प्लिट है उन लोगों के लिए नहीं है जो अभी इन्वेस्ट करना चाहते हैं। स्टॉक स्प्लिट बोनस ये सारे उसके लिए है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में बोनस और स्टॉक स्प्लिट काफ़ी फायदा करता है। अभी देखिए स्टॉक काफ़ी रनिंग कर चुका है, ऐसे में यहाँ थोड़ा सा गिरावट होगा, आप पैनिक हो जाएंगे। ऐसे भी ये स्टॉक 3000 से यहाँ से रनिंग किया है, तो हो सकता है एक बड़ा करेक्शन दिखाए, तो वैसे में आप अपर लेवल पे यहाँ पर बाय करते हैं। फिर आप कहेंगे आपका ही वीडियो देख करके मैंने बाय किया। देखिए कोई भी डिसीजन आप लेते हैं तो वो आपका है। हम यहाँ पर पूरी तरह से स्टॉक के चार्ट को डिस्कस करते हैं, कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, और थोड़ा बहुत गिरावट होता है तो लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं थोड़ी बहुत गिरावट के बाद और ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करना है। लेकिन कभी भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर इन्वेस्ट ना करें। अगर यहाँ पर करना है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हो सकता है मार्केट एक बड़ा करेक्शन दिखाए तो फिर आपको काफ़ी लंबे समय के लिए ट्रैप हो जाएंगे। हो सकता है प्राइस एक दो साल तक इसी रेंज में बना रहे और आप वहाँ पर लॉस में आपका पोर्टफोलियो दिखाए। तो इसलिए जब गिरावट होता है उस समय इन्वेस्ट करने का होता है। कभी भी जब स्टॉक यहाँ रैली कर चुका है तो आप इन्वेस्ट ना करें, आप वेट करें। जो अच्छे स्टॉक है उसको वॉच लिस्ट में लगाकर वेट करें, जब कंपनी में गिरावट होगा उस समय आप इन्वेस्ट करें। जहां पर लगता है कि ये स्टॉक अपना लो बना चुका है तो वहां से SIP स्टार्ट करें। जैसे यहां पर गिरावट हुआ था यहां पर कुछ स्टॉक बाय करते, फिर ये दिखाया तेजी, यहां पर देखते कंसोलिडेट हो रहा था यहां पर बाय करते, फिर तेजी दिखाए, आप यहां पर SIP करते चले जाते। तो इस तरह से इन्वेस्टिंग किया जाता है। कभी भी हायर लेवल पर इसमें आप ट्रैप होंगे तो फिर कई साल आपको लगेगा। देखिए ये सब चीज़ें मैंने भी पहले नया में करता था, हायर लेवल पे इसमें इन्वेस्ट कर दिया। जैसे अवनति फिट्स, उस स्टॉक में मैंने 1800 पर इन्वेस्ट किया था 2018 में, और वहां से स्टॉक में बोनस और स्टॉक स्प्लिट आया, स्टॉक प्राइस स्प्लिट हुआ और बोनस के कारण कम हुआ, तो 611 रुपीज, और 611 रुपीज पे अभी भी देख सकते हैं स्टॉक जो है 500 समथिंग पे है। ऐसे वो स्टॉक 600 के ऊपर 2020 के जनवरी में 700 से 800 के बीच आ चुका था। मैंने वहां पर सेल नहीं किया क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म के लिए उस समय बाय किया था, तो मैं स्टॉक में बना रहा। फिर से गिरावट होता है 2020 में, अभी भी स्टॉक मेरे लगभग कॉस्ट प्राइस के आसपास है। तो इस तरह से होता है लॉन्ग टर्म में, अगर आप किसी स्टॉक को हायर लेवल पर इन्वेस्ट कर देते हैं तो फिर वहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो स्टॉक को थोड़ा सा वेट करें, गिरावट होता है उस समय इन्वेस्ट करें, या वैसे स्टॉक जिसमें गिरावट बहुत कम होता है उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे भी कई सारे स्टॉक हैं जो हम आपको बताते रहते हैं, जैसे दीपक नाइट्रेट, एल्काइल एमिन्स, नवीन फ्लोरिन, अतुल लिमिटेड, तो ये सारे स्टॉक है जो कि बताते रहते हैं, जिसमें आप कभी भी थोड़ा बहुत करेक्शन होता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सारे स्टॉक आप देख सकते हैं एक साइकिल में चलता है, अप मूव किया, फिर गिरावट हुआ, फिर अप मूव किया, फिर देखिए गिरावट हुआ, फिर अप मूव किया। तो इस तरह के स्टॉक को आप अभी इन्वेस्ट ना करें, हाई लेवल पे करें तो स्टॉप लॉस के साथ करें, क्वांटिटी कम रखें। तो वीडियो देख करके डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं करना, यहाँ वीडियो से सीखना है फिर इन्वेस्ट करना है। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को कंप्लीट देखिए उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए।